नमस्कार, मैं लेख शेखर शर्मा, स्वागत है आपका अपने इस चैनल साइंस टुडे क्लासेस पर। देखिए, हम पढ़ रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम की जर्नल साइंस, यानी कि जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है सभी में जो जीके है ना, जीके में जो जर्नल साइंस है पूछी जाती है। आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर आपको वाकई में सिलेक्शन चाहिए, आपको सरकारी नौकरी की आवश्यकता है, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मैं रोजाना ही जर्नल साइंस के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन लेकर आता हूँ। और यह क्वेश्चन बहुत ही मेहनत से यहाँ वहाँ से लाकर तैयार किए गए हैं सिर्फ आपके लिए। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं हम। महत्वपूर्ण कृषि अनुसंधान संस्थानों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली के अंदर है भैया। कहाँ है ये? नई दिल्ली के अंदर है। इसका क्या काम होगा? जो एग्रीकल्चर है, जो खेती है, उसके लिए रिसर्च कार्य करती है ये। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च कहाँ पर है? ये कानपुर उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है कानपुर, वहां पर ये है। सुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट तमिलनाडु, जो गन्ना होता है और जो गन्ने की जो ब्रीडिंग, जो तरह तरह की नस्लों को तैयार करने के जो आविष्कार हैं वो यहाँ पर किए जाते हैं सुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट में, और यह है तमिलनाडु के अंदर। नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद आंध्र प्रदेश के अंदर है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट हैदराबाद आंध्र प्रदेश के अंदर है। और सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर राजस्थान के अंदर है। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर कर्नाटक के अंदर है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नो कोचीन केरल के अंदर है। सेंट्रल पोटेटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, आलू के ऊपर क्या होते होंगे, शोध कार्य होते होंगे, शिमला में है ये, हिमाचल प्रदेश के अंदर शिमला है, वहां पर है सेंट्रल पोटेटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, कटक उड़ीसा के अंदर है हमारा सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। चावल के ऊपर खोज कार्य होते हैं यहाँ पर, चावलों के ऊपर प्रयोग किए जाते हैं यहाँ पर कटक उड़ीसा के अंदर। और जो सेंट्रल टुबेको रिसर्च इंस्टीट्यूट है, यह है राजमुंद्री आंध्र प्रदेश के अंदर। देखिए, अपन ने पढ़ा आज महत्वपूर्ण कृषि अनुसंधान संस्थानों के बारे में। ठीक है, सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में अपन ने पढ़ा, नई दिल्ली के बारे में पढ़ा। किसके बारे में पढ़ा? नई दिल्ली के बारे में अपन ने पढ़ा। अब इसको याद कैसे करें अपन? नेताजी सुभाष चंद्र ने क्या नारा दिया था? दिल्ली चलो। क्या चलो? दिल्ली चलो। तो आप ऐसा सोचिए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अपने दिमाग में एक फोटो सोच लो, बस हमेशा के लिए याद हो जाएगा। आप ऐसा सोचिए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेत में से चलते हुए जा रहे हैं दिल्ली। तो खेत मतलब वही एग्रीकल्चर, तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में स्थित है। देखो, एक बार अगर अपन दिमाग में कोई कल्पना कर लेते हैं ना, चित्र बनाकर, तो हमेशा हमें, तो वह चीज हमेशा के लिए हमें याद हो जाती है। ठीक है, फिर क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च कहां है ये? कानपुर उत्तर प्रदेश में। कहां पर है ये? कानपुर उत्तर प्रदेश में है। देखिए, पल्स रिसर्च, ये भी याद हो जाएगा आराम से। देखो, हम किसी की कलाई पकड़ते हैं तो उसकी पल्स चेक कर सकते हैं ना, उसकी नस, उसकी नब्ज चेक कर सकते हो आप कलाई पकड़कर। वैसे अगर आप कान वगैरह को भी छूओगे ना, तो कान के वहां पर भी वैसी ही पल्स महसूस होती है जैसी आपको कलाई में महसूस होती है। तो सीधी सी बात है, पल्स रिसर्च, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च है, कहां पर है ये? कान प्रदेश उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, आराम से याद हो रहा है। ठीक है, सुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट तमिलनाडु में है। कहां पर है सुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट? कहां पर है? तमिलनाडु है। देखो, सुगर केन से क्या बनता है? गुड़ बनता है, और तमिलनाडु के पीछे भी क्या है? ड है, गुड़, गुड़। तो याद कर लेना, सुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहां पर है? तमिलनाडु में स्थित है।
अब देखिए चौथे नंबर पे क्या था, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है ये। कहां पर है ये? लखनऊ में है। आप ऐसा सोचिए एक नेताजी आ रहे हैं, लखनवी, लखनऊ के लोग ऐसे पान खाते हैं ना, अरे मियाँ कैसे हो, तो आप ये सोचिए एक नेता आ गए आपके सामने, अरे मियाँ, और वोट मांग रहे हैं आपसे, क्या मांग रहे हैं, यूं मुंह में से, आप ऐसे सोचिए उनके पान ऐसे निकल रहा है पान का लाल लाल सा, और वोट मांग रहे हैं, अरे मियाँ कैसे हो जनाब, वोट दे दो। तो वोट दे दो मतलब बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। अब आप बोलोगे सर इससे पूरा तो याद हो नहीं रहा, अरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर क्या आते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा भी हिंट मिल गया तो हमें आराम से आंसर पता लग जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद में, किस में है, हैदराबाद में है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद में है। हमारे यहाँ पर एक हैदर अली जी नाम के व्यक्ति रहते हैं गली के अंदर, अरे बहुत मोटे हट्टे कट्टे हैं, जिम बिम जाते हैं, मतलब अच्छा न्यूट्रिशन मिल रहा उन्हें, तो सीधी सी बात है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन कहाँ है, हैदराबाद आंध्र प्रदेश में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट कहाँ पर है, ये भी हैदराबाद में है। कहाँ पर है ये, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। और जो हमारे हैदर अली जी है ना, वो रूल खाने के बहुत शौकीन है, रूल मिलती है ना क्रीम रूल, ठीक है, तो क्या खाते हैं, रूरल डेवलपमेंट, रूल खा खा कर अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं हैदर अली जी। तो हैदराबाद ऐसे भी याद हो जाएगा आपको। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर में है, तो सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जोन से ही जोधपुर बन गया अपना राजस्थान, ठीक है। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर के अंदर है, ये मैसूर है कर्नाटक में, कहाँ है ये, कर्नाटक में है। तो सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, अरे भैया ये भी बिल्कुल आसान है, फूड, फूड क्या होता है, वही अनाज दालें, मैसूर की दाल, खाई कभी मसूर की दाल, चने जैसी होती है, तो सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है, बताइए, तो आप क्या बोलेंगे, आपका आंसर क्या होगा, उसमें देखो आपके ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, ए लखनऊ, बी हैदराबाद, सी जोधपुर, डी मैसूर। तो आप देख लेना सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी, अब इसमें से फूड कौन सा है, मैसूर की दाल फूड है, तो इसका आंसर हो गया मैसूर। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नो कोचीन, चीन के लोग तो भैया मछलियाँ कागले सभी खा जाते हैं पकड़ के, आ रही बात आओगे, मछलियाँ कागले अंडे जो मिलते हैं वही खा जाते हैं, चमगादड़ तक को खा जाते हैं पकड़ के, तो सीधी सी बात है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज, वो साथ में फिश को भी खा जाते हैं, मछलियों को भी खा जाते हैं, तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नो कहाँ पर है, कोचीन केरल के अंदर है। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, आज पता है हमारे घर पे खाने में क्या बना है बच्चों, पढ़ाई तो चलती रहेगी, आज बनी है हमारे शिमला मिर्च, जो भी आलू भर के, क्या भर के बनी है, आलू भर के, तो सीधी सी बात है शिमला मिर्च में आलू भर के, पोटैटो मतलब आलू, तो सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर होगा, शिमला के अंदर होगा, क्योंकि आलू आपको मिलेगा कहां पर, शिमला मिर्च के अंदर। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक, क्या है, कटक, कणकती वाले चावल खाए कभी, कणकती वाले टूटे चावल, वही तो है भैया कटक, तो सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक के अंदर है, उड़ीसा के अंदर है। सेंट्रल टुबेको रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है, राजमुंद्री के अंदर है, कहां पर है, राजमुंद्री के अंदर है, आंध्र प्रदेश, कहां पर है, आंध्र प्रदेश। पहले एक राजश्री नाम का एक तंबाकू का पुड़िया आता था, तो यही तो हो गया राजमुंद्री, सेंट्रल टुबेको रिसर्च इंस्टीट्यूट राजमुंद्री आंध्र प्रदेश। तो आई होप जो आज आपको मैंने ट्रिकों के द्वारा समझाया है अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, आपको अटपटा लगा होगा, लेकिन ये यही तो जादू है। आप एक बार वीडियो को पूरा देखिए, शेयर कीजिए, ऐसा आपको कोई नहीं समझाएगा ट्रिकों के साथ, चाहे आप कोई ऐप ले लीजिए, चाहे आप किसी से भी पढ़िए, क्योंकि पढ़ाई होती है
मौज मस्ती में, खेल खेल में। सभी अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।